दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से HDFC बैंक के ऊपर डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। HDFC बैंक 2 हफ्ते के अंदर उसका हाई लेवल से 16 से 17% नीचे की तरफ आ चुका है, तो अभी किस टाइप का मूवमेंट उस पे आ सकता है, क्या हम उसी स्टॉक के ऊपर अभी खरीदारी करना काफी अच्छा रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से 1700 लेवल के आसपास आने के बाद, देखो इसी लेवल के आसपास HDFC बैंक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली बार 2021 पे ये अक्टूबर महीना पे इसी लेवल के आसपास आके टच करके फिर वापस नीचे की तरफ आ गया था। और देखो उसके बाद अगर आप देखोगे 4 से 5 बार उसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। तो टेक्निकल के हिसाब से अगर आप बोलोगे ये हमारा पहला टॉप बनाया था, ये डबल टॉप फॉर्म किया, ये ट्रिपल टॉप फॉर्म किया, इसी लेवल के आसपास फोर्थ टॉप और फिफ्थ टॉप भी फॉर्म हुआ, फिर सिक्स्थ टॉप फॉर्म किया, अब ये सेवेंथ टॉप इसी लेवल के आसपास फॉर्म किया है। तो एक नेट नेट अगर आप देखोगे 1700 लेवल के आसपास जब भी HDFC बैंक आ रहा है उसी लेवल पे हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। देखो कुछ टाइम इसी लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है, लेकिन वापस इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। अगर HDFC बैंक के ऊपर आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके देखोगे, हमको सपोर्ट नेट नेट ये 1400 लेवल के आसपास आने के बाद हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो ये 1400 लेवल के आसपास बार बार आने के बाद इसी लेवल से हमको बाइंग देखने के लिए मिला था, और ये लेवल के आसपास डबल बॉटम फॉर्म किया तो इसी लेवल पे बाइंग आया। तो बार बार देखो इसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी ये लेवल के आसपास मार्केट आ रहा है इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये 2020 दिसंबर महीना से अगर आप देखोगे मार्केट ये लेवल के आसपास लो फॉर्म कर रहा है और 1700 लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो HDFC बैंक के ऊपर अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से कोई पोजीशन ले रहे हो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर मतलब जो बाय करके कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना ऐसे होल्ड कर रहे हैं, अगर आप उस टाइप का ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो 3 4 महीना 5 महीना 6 महीना ऐसे होल्ड कर रहे हो, तो ये स्टॉक के ऊपर काम करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये स्टॉक जब 1400 लेवल के आसपास आएगा आप इस पे खरीदारी कर सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट 1700 लेवल के आसपास रहेगा। तो देखो इस पे थोड़ा रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क को मैनेज करके काम करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑली ये टेक्निकल के हिसाब से इससे इसी टाइप का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे देखो एक बार अगर ये 1400 लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल इस पे देखने के लिए मिल रहा है ये 1300 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिला है। तो अभी देखो मार्केट काफी तेजी से 2 हफ्ते के अंदर, मैंने यहाँ पे देखो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है, अगर मैंने वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न इसको कर दूंगा, देखो ये 2 ही हफ्ते के अंदर ये ऑलमोस्ट देखो हाई बनाया था 1683 लेवल के आसपास और ये लो 1380 के आसपास लो बना के आ चुका है। तो ऑलमोस्ट ये 16-17% के आसपास ये लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। लेकिन ये जो सेलिंग आ रहा है इस सेलिंग पे क्या हमको प्रॉपर स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि प्राइस जब भी नीचे की तरफ आता है अगर उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए मिलता है, तो अभी दोस्तों मार्केट पे प्रॉपर उसी डिरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो वॉल्यूम है जो स्ट्रेंथ है वो प्राइस को और उसी दिशा पे लेके जाने में मदद करता है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइस और ज्यादा ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको दिखाता है, लेकिन अगर प्राइस नीचे नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये सिनारियो में प्राइस और ज्यादा नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि ये देखो इसी सिनारियो में प्राइस ऊपर जा रहा था तो उसको ये और ज्यादा ऊपर लेके जाएगा, और ये सिनारियो में प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन वॉल्यूम उसको साथ दे रहा है तो इसी केस पे प्राइस और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो 2 सिनेरियो में आपके साथ शेयर किया, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन उसको वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा है, वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है,
तो प्राइस ज्यादातर और ऊपर नहीं जा पाएगा, ये फिर वापस इसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा। उससे और एक सिनेरियो भी है, अगर प्राइस नीचे नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उसको साथ नहीं दे रहा है, वॉल्यूम नीचे नीचे जा रहा है तो प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगा, ज्यादातर इसी लेवल से फिर रिवर्स होके ऊपर की तरफ आएगा। अभी जिसे प्राइस मूवमेंट दे रहा है उसका स्ट्रेंथ वॉल्यूम जानने के लिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट को ऐड कर रहा हूँ। अभी देखो ऊपर लेवल से प्रॉपर सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके, एक बहुत बड़ा रेड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ये नीचे की तरफ आया है, और उसके साथ देखो प्रॉपर स्ट्रेंथ भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए ये लेवल के आसपास हमको और एक हफ्ता सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, लेकिन ये हफ्ता जो सेलिंग आया है सपोर्ट लेवल के आसपास आके पहुंचने के बाद ये लेवल के आसपास देखो सेलिंग उतना नहीं आ रहा है, इसीलिए ज्यादातर चांस रहेगा ये 1400 लेवल के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास हमको और 1 से 2 हफ्ता वेट करना है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अगर हमको प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है तो इसी लेवल से फिर वापस हमको बाइंग के ऊपर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न, बाइंग के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर सपोर्ट लेवल पे मिलेगा तो अभी हमको बाइंग देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज करके किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है उसके बारे में आपको बताया। मैंने और एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसके ऊपर थोड़ा कुछ दिन होल्ड करके वो स्टॉक को फॉलो करना चाहते हो तो आप कैसे फॉलो कर सकते हो। तो देखिए ये सारे जो ट्रिक है मैंने मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस वीडियो है जो लिंक मैंने शेयर किया है उसके अंदर डिटेल्स पे बताया है, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक अभी बताने के लिए जा रहा हूँ। आप कोई भी स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो स्टॉक पे वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको फॉलो करके काम करना है, और वो स्टॉक के ऊपर आपको सुपर ट्रेंड को ऐड करके देखना है। सुपर ट्रेंड मैंने एक बार ऐड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे हमको फॉलो करके जाना है। तो देखो सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपको फॉलो करना है जो पीरियड रखेंगे 10 रखेंगे, मल्टीप्लायर रखेंगे 2 मल्टीप्लायर रखेंगे। तो ये 10 और 2 मल्टीप्लायर के हिसाब से आपको मार्केट पे फॉलो करके काम करना है। ये जो सुपर ट्रेंड ऐड करके मैंने आप लोगों को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ ये बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे ज्यादातर यूज किया जाता है। अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड कर रहे हो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है। तो इसको 1 हफ्ते में एक बार ही देखना होता है। अगर आप फ्राइडे टू फ्राइडे हमेशा देख रहे हो तो फ्राइडे जब आएगा, फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग का टाइम पे आप सिर्फ चेक करोगे जो भी स्टॉक है वो स्टॉक का प्राइस ये सुपर ट्रेंड से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या सुपर ट्रेंड से नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। अगर सुपर ट्रेंड से नीचे क्लोजिंग देगा तो आप वहां पे प्राइस को जो रहेगा वो प्राइस को एग्जिट कर दोगे, वो स्टॉक से एग्जिट करके निकल जाओगे। अगर सुपर ट्रेंड से ऊपर जितना दिन तक, जितना महीना तक वो होल्ड कर रहा है आप उस पे होल्ड करके जा सकते हो। जैसे अगर आप पहले भी देखोगे, पहले ये लेवल के आसपास जो बाइंग आया था 1485 के आसपास बाइंग मिला था, उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हुआ और नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड से ऊपर फिर ये क्लोजिंग दिया है। और अगर आप इस पे होल्ड रखे तो आप निकले कहाँ से, 1561 के आसपास, 1590 के आसपास आप इस पे ये लेवल के आसपास आप फिर निकल गए। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे हमको ऐसे फॉलो करके जाना है। तो अभी एक छोटा सा ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप एंट्री करोगे सुपर ट्रेंड से ऊपर जो मार्केट रहेगा आपको पोजीशन बनाना है, और वीकली चार्ट के हिसाब से जब तक सुपर ट्रेंड से नीचे आके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप उस स्टॉक पे होल्ड रखोगे। लेकिन उससे पहले देखो हमको थोड़ा चार्ट भी देखना पड़ता है। तो ये चार्ट के हिसाब से देखो एक रेंज के अंदर एचडीएफसी बैंक स्टॉक मूवमेंट दे रहा है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अराउंड 1700 1750 लेवल से, ये लेवल से
जो सपोर्ट का लेवल है ये 1400 लेवल के आसपास, बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट मिल रहा है और ये लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया ये इसी रेंज के अंदर ऐसे ही काम दे रहा है। उसके साथ अगर आप 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को फॉलो करके काम करोगे, मैं एक बार यहाँ पे मूविंग एवरेज लेवल को भी ऐड करके आपको बता रहा हूँ। आपको कोई भी स्टॉक के अंदर अगर पोजीशन होल्ड करना है आप कैसे होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 200 पीरियड अगर आप ओपन करते हो, देखो ज्यादातर 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से उसी लेवल के आसपास आने के बाद वो लेवल से फिर से सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलता है। तो अभी देखो उसी लेवल को आके ये टच किया है, तो ज्यादातर चांस रहेगा ये लेवल से हमको एचडीएफसी बैंक स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे ये 2008 पे थोड़ा नीचे आया था, 89 के आसपास, उसके बाद देखो कितना शार्प अपसाइड मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिला है। उसके बाद देखो 2020 पे थोड़ा ये नीचे आया और उसके बाद देखो ये कितना शार्प अपसाइड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। ये 2022 पे थोड़ा ये लेवल के आसपास आया और इसी लेवल से ऊपर गया। अभी देखो 2024 पे इसी लेवल के आसपास आया है, जो कि इसी लेवल से वापस ये पॉजिटिव डिरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो इसी लेवल के आसपास एक रेंज के अंदर कुछ हफ्ता हमको अभी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर अगर आप अभी इंट्राडे पे काम करना चाहते हो तो कैसे आपको काम करना है, देखो इंट्राडे के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख के काम करना पड़ता है। पहले इंट्राडे के ऊपर अगर आपको काम करना है, आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से इंट्राडे पे कोई स्टॉक के अंदर काम करना चाहते हो तो आप कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करोगे। देखो स्टॉक पे आपको वॉल्यूम को तो पहले देखना पड़ेगा, वॉल्यूम को यहाँ पे ऐड करके चेक करना है कितना स्ट्रेंथ आ रहा है और ये स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको देखना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अभी देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है और ये लेवल के आसपास एक बेयरिश हरामी का पैटर्न भी फॉर्म किया है। उसके साथ देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ज्यादातर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक स्टॉक थोड़ा सा इसी लेवल से और ज्यादा नीचे की तरफ मोमेंटम हमको दिखाएगा। तो इस पे अगर डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूव आएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे काम कैसे करेंगे, इंट्राडे पे हमको काम कैसे लेना है, ये देखो अभी 1441 लेवल के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया, देखो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये 1:15 के बाद ये देखो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक ये लेवल से थोड़ा नीचे मिलता है, क्लोजिंग हुआ है 1440 के आसपास, अगर ये 1430 के आसपास मिलेगा तो आप इस पे सेलिंग का पोजिशन बना सकते हो। इस पे देखो एवरेज ट्रू रेंज को ऐड करके आपको स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। एवरेज ट्रू रेंज मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो देखो एवरेज ट्रू रेंज इसका ये राइट साइड पे 8 दिखा रहा है। ये सारे जो टेक्निकल चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो लिंक शेयर किया है उस पे अगर आप क्लिक करते हो, ये डिटेल्स आपको कैसे कैसे टेक्निकल एनालाइज करना है वो डिटेल्स आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो ये एटीआर का वैल्यू है 8 दिखा रहा है, तो जितना भी एटीआर का वैल्यू दिखाएगा उस पे हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है स्टॉप लॉस निकालने के लिए, तो वैल्यू हो जाएगा 12। मतलब इसी लेवल से 12 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1442 लेवल के आसपास, और 1:2 रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे 24 पॉइंट नीचे की तरफ हमारा टारगेट आ रहा है, तो 1406 लेवल के आसपास हमारा टारगेट लेके जाना है। और देखो 1406 का लेवल ये लेवल के आसपास आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक स्टॉक के अंदर कैसे आप काम कर पाओगे, आगे आने वाले दिनों पे कैसे मोमेंटम आएगा उसके बारे में डिटेल्स पे आपके साथ शेयर किया। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, एक लाइक करके जरूर जाना। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे ऐसे एक इंफॉर्मेटिव टेक्निकल एनालिसिस वीडियो को लेके।